बाबरी मस्जिद जो कि मीर बाकी ने बनवाई थी, और जब से ये मस्जिद बनी है तब से लेकर 1946 तक इसमें जितने भी मुतवल्लियान इसके ट्रस्टी रहे हैं वो सब शिया रहे। 1944 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मस्जिद को अपने यहाँ दर्ज कर लिया। 1945 में शिया वक्फ बोर्ड ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर किया। 1946 में आपस में मिली भगत करके दोनों वक्फ बोर्ड ने, शिया वक्फ बोर्ड ने मुकदमे को हार गया, और उस मुकदमे में हिस्ट्री के अगेंस्ट एक फ़ैसला हुआ कि ये मस्जिद मीर बाकी ने नहीं, बाबर ने बनवाई थी, जबकि बाबर कभी अयोध्या गए ही नहीं, बाबर नामे में इसका कोई जिक्र नहीं है। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि ये मीर बाकी ने बनवाई थी, तो मीर बाकी शिया थे, तो लिहाजा इस मस्जिद को शिया वफ होना चाहिए था और शिया वफ थी। अब उसके बाद जब ये सुन्नी वफ में दर्ज हो गया और हमारे अगेंस्ट फैसला हो गया 1946 में, तो शिया वक्फ बोर्ड ने अपील भी नहीं की, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी नहीं की गई, और इससे बड़ी और मिली भगत क्या हो सकती है। तो बहरहाल अब शिया वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि हम इसमें अपना दावा पेश करेंगे। मस्जिद से पहले वहाँ कुछ भी था और किन हालात में मस्जिद बनी, लेकिन जब मस्जिद गिराई गई तब तक मस्जिद वहाँ थी, और अब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा या सारे जितने भी उसमें पार्टीज़ हैं वो पार्टीज़ आपस में मिलके कोई फैसला करना चाहें, जो भी फैसला हो, लेकिन उसमें शिया वक्फ बोर्ड को पार्टी होना चाहिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नी संपत्ति नहीं है, ये शिया संपत्ति है।